शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां पहला अध्याय 32वीं कहानी। अगर रास्त बिखावी अजमन सुनो जहां दीदा विशियार गोद दरोग। यानी ये बात सच है कि बहुदर्शी पुरुष ही बहुत झूठ बोला करते हैं। मूर्ख आदमी का झूठ भी मामूली ही होता है। एक फरेबी अपनी जटाओं को लपेट कर अपने तई अली की संतान बताता हुआ हिजाज के यात्रियों के दल के साथ नगर में दाखिल हुआ। उसने अपने तई मक्का का यात्री बताया और एक मर्शिया बादशाह के सामने पेश किया जिसे वह अपना बनाया हुआ कहता था। एक दरबारी ने जो उसी साल यात्रा करके लौटा था कहा, मैंने इसे ईद उल जुहा पर बसरा में देखा था, फिर यह हाजी किस तरह हो सकता है। एक और दरबारी कहने लगा, इसका बाप ईसाई है और वह मलातिया में रहता है, यह पवित्र वंशी कैसे हो सकता है। उन लोगों ने उसके पदों को दीवानी अनवरी में से टूट निकला। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे दंड देकर बाहर निकलवा दो और इसे यह पूछो कि तू इतना झूठ क्यों बोला। उसने जवाब दिया, हे पृथ्वीनाथ, मैं एक बात और कहूंगा, यदि वो बात सच न हो तो आप जो दंड देंगे मेरे लिए वही ठीक होगा। बादशाह ने पूछा, वह क्या बात है। उसने जवाब दिया, अगर कोई दूध दही बेचने वाला आपके पास छाछ लाता है तो उसमें दो हिस्सा पानी और एक हिस्सा दही रहता है, अतएव यदि इस गुलाम ने कोई बात अविवेकता में कही हो तो नाराज न होइए, क्योंकि मुसाफिर अनेक झूठ बोला करते हैं। बादशाह ने कहा, इसने अपनी जिंदगी में इससे अधिक सच्ची बात नहीं कही है, अतः यह जो कुछ मांगता है इसे वही दिया जाए। इस कहानी का सार मर्म यही है कि जो जहां दीदा अर्थात संसार देखा हुआ मनुष्य होता है वह बहुत कुछ मक्कारी और चालाकी भी कर सकता है, पर यह कोई अनुकरणीय गुण नहीं। कहानी समाप्त।